कपिटवृत द्वारम श्री गुरुचरण कौटि भैरव ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का दिन हम जहाँ इस गिरनार क्षेत्र में बैठे हैं जूनागढ़ के, यह संत महात्माओं से, नाथ संप्रदाय के लोगों से, भगवान दत्तात्रेय जो आदि गुरु कहलाए जाते हैं, उनके कृपा प्रसाद का क्षेत्र कहा गया है। यहाँ किसी भी तरह की असंभव कार्यों को भी संभव करना यहाँ के संतों में, यहाँ के नाथ संप्रदाय के योगियों में एक विशिष्टता रही है। कहते हैं कि जो गुरु कृपा से वंचित हुआ, कभी गुरु कृपा उसे प्राप्त नहीं हुई, वो यहाँ आकर अगर भगवान दत्तात्रेय का, गुरु गोरखनाथ जी का या सदाशिव रूपी महादेव का विशिष्ट मंत्र, जिसको गोरखनाथ जी ने कहा है, सदाशिव भगवान ने कहा है, उस मंत्र का अनुष्ठान एक लाख करते हैं, तो निश्चित रूप से आज के इस घोर कलयुग में भी उसको यह कृपा प्राप्त होती है और वो गुरु कृपा से वंचित नहीं रहता। चाहे दश महाविद्याएँ हो और चाहे किसी प्रकार की सिद्ध विद्या हो, उसको प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि गोरखनाथ जी की जो गायत्री मैंने सुबह आपको प्रदान की थी, उस गायत्री का अगर एक लाख मंत्र यहाँ गोरखनाथ धुनी के पास या दत्तात्रेय की गिरनार पर्वत पर किया जाए, तो स्वयं गोरखनाथ जी उसके सारे पापों का दहन करते हैं। ऐसे असंभव असंभव कार्यों को भी यहाँ होते हुए देखा गया है कि जो लूले लंगड़े हैं, जिनके हाथ पांव नहीं हैं, जो गिर गए हैं, जो चल नहीं सकते, केवल अगर वो गुरु की भक्ति रखकर गोरखनाथ जी का मंत्र करते हैं, तो उनको भी वह सारी शरीर की बाधाएं से मुक्त होकर वो शरीर के स्वस्थ शरीर को प्राप्त किए हैं और गुरु कृपा को प्राप्त किए हैं। स्वयं दत्तात्रेय जी ने और महादेव भगवान सदाशिव ने भी कहा है कि इस पर्वत पर, यह भगवान दत्तात्रेय की कर्मस्थली और तपस्थली है, यहाँ आज नहीं, युगों से लेकर, त्रेता से, द्वापर युग से लेकर गोरखनाथ जी और भगवान दत्तात्रेय का यहाँ होना सभी लोग जानते हैं। कहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब आए, तो राम जी को लगा कि मैं शिवभक्त रावण को मैंने मार दिया है, जिसको ख़त्म किया है, तो वो पाप एक ब्रह्म हत्या के रूप में मुझे लगेगा और मेरा उद्धार नहीं होगा। इसमें सहायता करने पर भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी भी लगे कि भगवान राम को हमने ही साथ दिया था रावण को मारने के लिए, तो इस पाप से हम भी युक्त है, इस पाप में भागीदार हम भी हैं। तो उनकी पाप की निवृत्ति के लिए प्रभु राम भी गोरखनाथ जी के पास आए और उन्होंने यहाँ दीक्षा ली और वे उन पापों से मुक्त हुए। मैंने जैसे सुबह बताया था कि परशुराम जी भी यहाँ आकर अपने क्षत्रिय हत्याओं के कारण उन्होंने भी पाप मुक्ति के लिए यहाँ प्रार्थना की और वो पाप मुक्त हुए। इस प्रकार इस नाथ संप्रदाय की कड़ी में यहाँ जो अम्बा माता है, इसके आराधक गोरखनाथ भी रहे, मत्स्यनाथ भी रहे, भगवान दत्तात्रेय भी और जितने भी अघोरी संत महात्मा आए हैं, वो भी इस अम्बा माता के कृपा प्राप्ति के लिए, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व या श्रेष्ठ देवत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी कृषि की और उन्होंने भी यह वह कार्य किया, वह साधना संपन्न की, जिसके कारण वे साधनाओं में अग्रसर अग्रगण्य कहलाए और आगे बढ़े। कहते हैं कि जब हम इस संसार में, गोरखनाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय जी के पास आकर पूछा था कि क्या संसार में देवताओं का प्रत्यक्षीकरण, देवता प्रत्यक्ष होना, दर्शन देना और देवता की कृपा प्राप्त करना, गुरुओं की प्राप्त करना, गुरुओं की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा विधान है जो कोई व्यक्तित्व अपने जीवन से उस देवता की प्रत्यक्ष सिद्धि और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने की शक्ति किस तरह प्राप्त करता है। दत्तात्रेय भगवान ने गोरखनाथ जी और उनके दोनों का संवाद लिखा हुआ है, जिसे गोरख संहिता कहा गया है। गोरख संहिता में इस बात को पूर्ण भक्ति के साथ कहा जाता है कि जो साधक यहाँ नाथ संप्रदाय की साधना करने से पहले माता अम्बा भवानी की कृपा प्राप्त करता है, उसे गोरखनाथ जी दर्शन देते ही है।
एक बार की बात है कि यहाँ दीवट नाम का एक छोटा सा बालक था, दीवट था उसका नाम, और वह अपने माता पिता के पास रहा करता था। लेकिन यूं ही खाना खा के सो जाना और खाना खा के रहना, किसी को कुछ भी ना कहना, इतने लाडू होते थे, समझ करते रहे इतने बस थे। तो उसको इस बात का कभी भी खेद रहता था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कहा। तो एक दिन उनके माता पिता दोनों ने आकर उस दीवट को कहा कि तू बेकार का आदमी है, यहाँ बैठ के खाली खाना खाता रहता है, कभी गौओं को भैंसों को चरा के आने की बात कहते हैं तो वो चराता नहीं ना, वो काम करता नहीं, खाली करता है। वो सुनकर चुप हो गया। तो उसके पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, उसके बाद माताजी ने भी उसको मारा। ये मार खाने के बाद उसे लगा कि मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँ, मैं यहाँ रहकर इसको कुछ भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता ने उसको पताड़ दिया और कहा तू यहाँ पैदा होना भी हमारे लिए गलत है, तू यहाँ रहना भी गलत है, तू किसकी भी सिद्धि या किसका भी काम कुछ भी नहीं करता। तो वो दीवट रोते हुए वहाँ से जंगलों में चला गया, वनवास को प्राप्त करते हुए वनवास में चला गया। धीमा धीमा जाते गया, लेकिन उसके कुछ संस्कार थे। वो ये जाकर सोचने लगा कि मैं कहाँ जाकर मेरा खाना सिद्ध करूँ। उसको कुछ वृत्ति विद्या तो आती नहीं थी, एक गाय भैंस चराना यही था। तो एक गांव में गया, भूख लगी थी, तो उस माँ ने पूछा कि तुझे तो मैं खाना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मेरे गायों को चराएगा क्या? उसने कहा फिर वही बात, मैं वहाँ चराने से कहा और माता पिता से मार खाकर यहाँ आ गया, आज फिर वही बात करूँ, लेकिन भूख तो लगी थी। और वो उसने कहा ठीक है, मैं गाय आपकी गायें चराता हूँ। वो गायों को चराने लगा, रोज आता था। वहाँ एक ग्लास भर मट्ठा और दो रोटियाँ दिया करती थी, वो चरा के आने से वो खाता था। और उसको ये लगा कि क्या मेरा जीवन इतना ही है, ऐसा ही जीवन है। वो गांव में वो गायों को चराने ले रहा था, एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर रोया करता था कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही है। वह गांव यही गांव था जहां वो आया। तो वो रोज़ रात में जब सब गायों को चरा कर जाता था तो वो देखता था कि ऊपर एक ज्योति सी नज़र आ रही है पहाड़ के ऊपर। उसको लगा कि वो ज्योति क्या है, एक बार तो देखेंगे क्या करना है। वो चलते हुए ऊपर गया, लेकिन वहाँ जब गया तो वहाँ उसको ज्योति का दृश्य नहीं हुआ, कुछ ज्योति भी नहीं दिखी। बोला ये मेरा भ्रम था, शायद मैं यहाँ आया। और वो फिर वहाँ से नीचे उतरने लगा। वो जब ऊपर से नीचे उतरा था तो उसको भूख के कारण, उस बालक था छोटा सा बच्चा रहने के कारण बहुत भूख लगी थी, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि अब मुझे खाना नहीं खाया तो मैं नीचे उतर नहीं सकूँगा। और उसने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। उतने में एक छोटी सी बच्ची बहुत दूर से आई और बोले क्या क्यों रो रहा है? तो उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी और यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा दूध और रोटी है, तू एक खा ले। उन्हें उस माता को नमस्कार किया और उस रोटी को खाया, और दूध पीने के बाद वो कहने लगा माँ मैं ऐसा सभी तरह से प्रताड़ित हूँ, मेरे को कोई कहीं खाने के लिए कहीं रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, सभी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे कोई कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं किसी अच्छे गुरु की शरण ले लूँ और उस गुरु की परंपरा में, उस गुरु सेवा में लग जाऊँ जिससे मेरे मन को शांति मिले। क्या आप बता सकती हैं कि मैं किस गुरु के पास जा सकता हूँ, किस गुरु के पास से मैं सेवा करके मैं अपने आप को सिद्ध समझा सकूँ या आनंद प्राप्त कर सकूँ? ऐसा उसने उस लड़की से पूछा। तो लड़की ऐसे मुझे क्या मरूँ, मुझे तो तूने भूख पूछी थी, मैंने रोटी दे दी और मैं यूँ ही जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वह लड़की वहाँ से चली गई। अब उसे लगा कि मैं वहाँ जब माँ बोल के पुकारता हूँ तो लड़की आती है, तो क्या मैं ये गायें चराऊँ या वहीं जाकर माँ बोल के पुकारूँ तो वो दे ही मेरे को खाना ही देगी। लेकिन जब दूसरे दिन गया तो उसे माँ बोल के पुकारने के बाद भी वो माँ नहीं आई, तब लगा कि नहीं मुझे फिर वहीं जाना है, नीचे आ गया। फिर उसी के पास तो उसने पूछा तो कल रात कहाँ गया था, तो उसने कहा भटक गया था जंगल में, अभी आया हूँ। फिर उसने खाने को रोटी आदि दे दी। अब उसको चिंतन लगा कि वो लड़की उतने रात में उतने पास उतने ऊपर पहाड़ पर अकेली कैसी रहती होगी, कौन है ये लड़की? और उसको वो चिंता लगी कि कौन है, उसको किस तरह देखा जाए। वह बार बार इस चिंतन में था, तो उतने में उसको एक सपना गिरा। उस सपने में कहा गया कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी वास करते हैं, जो आदि गुरु हैं, और उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी हैं, उनका स्मरण कर अगर वे तेरे को तेरे पर कृपा करते हैं तो तेरे मन को
शांति मिलेगी और तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। उन्होंने अब गोरखनाथ जी का चिंतन करना आरंभ कर दिया कि वो मुझ पर कृपा करें, मुझ पर, मैं उनको देखूं। तो एक बार होते होते पता चला कि गोरखनाथ जी अपनी धुनी के पास अपने शिष्य मंडली के साथ आए हुए हैं। तो वो पहाड़ चढ़कर भागते भागते उनके पास गया, जाकर कहा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े संत महात्मा हैं, आप नासाम राय के गुरु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, चाहता हूँ कि आप मुझे आपका शिष्य बना लें। गोरखनाथ जी देखे, बोले तेरा नाम क्या है? उसने बताया मेरा नाम दीवट है, मैं फलाने गांव का। तेरे माता पिता क्या करते हैं? उसने बताया कि मेरे माता पिता थे, और आंसुओं को रोते हुए कहा कि मेरे माता पिता ने मैं भैंसे नहीं चलाने के कारण, कुछ काम नहीं करने के कारण मुझे हकाल दिया और मैं वहाँ से निकल आया। अब मुझे माता के रूप में मैं दूसरे गांव में एक स्त्री के पास, जिसे मैं माँ कहता हूँ, वो गाय देती है, उसको चराता हूँ और रोज़ वहीं रहता हूँ। मैं आपसे दीक्षा चाहता हूँ और आपकी सेवा, गुरु सेवा करूँगा, मैं आपके साथ आपके पास रहूँगा। गोरखनाथ के पास शिष्य बनना इतनी मामूली बात नहीं थी। गोरखनाथ ने कहा, अगर तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तू तेरे माता पिता के पास चले जा, माता पिता की सेवा कर और मेरे पास आ, अगर मुझे समय मिला तो मैं तुझे ज़रूर दीक्षा दूंगा। अब इसको लगा कि ये बात क्या करें, जिस माता पिता से आ गया, जिसने माता पिता ने हकार मार कर हकार लिया, और ये कह रहे हैं कि मुझे उसी के पास जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। लगा यहाँ अभी कुछ होने वाला नहीं, बहुत प्रार्थना की कि मुझे शिष्य बनाओ। तो गोरखनाथ ने कहा, जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, और तू भी अभी बालक है और मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, तू चला जा, जब समय आने पर मैं तुझे दीक्षा दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे मन में बेचैनी है, शांति नहीं है, और मैं शांति के लिए जो प्रार्थना करता हूँ, कम से कम मुझे आप शिष्य न बनाए तो मुझे वो शांति तो प्रदान करो जो मेरे मन में बेचैनी है। तो गोरखनाथ जी ने कहा, ये देख, मैं यहाँ तुझे एक मिट्टी पर एक छोटा सा यंत्र बना कर देता हूँ, उस मिट्टी के यंत्र के सामने यह मंत्र कर ले, और तुझे तेरे जीवन में जो बेचैनी है, शांति, उसको मिलेगी। लेकिन इसे गुरु दीक्षा या मैं शिष्य बनाया हूँ ऐसा मत समझ, मैंने तुझे ये दिया है, तुझे ये करना है। वो आया, वहाँ यंत्र खींचा और जो उन्होंने मंत्र कहा उस मंत्र को आरंभ कर देकर बैठ गया। उस यंत्र और मंत्र के प्रभाव से एक लड़की आई, और उन्होंने कहा कि वही लड़की थी जिसने उसको दूध दिया था। बोले, आप फिर आ गई, कल परसों पुकारा तो नहीं आई? तो उसने कहा कि तूने जो यंत्र लिखा है उस यंत्र के माध्यम से तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई, तो तुम देवी हो, तुम माता हो। तो हमने कहा, अब तू कुछ भी समझ, तू मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो उसने कहा, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन माँ मेरी एक बहुत इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है, मेरे गोरखनाथ जी का शिष्य बनना है, और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं गोरखनाथ का शिष्य नहीं बनूँ, और मुझे मेरे माता पिता के पास जाने की बात कही, मैं किस मुँह से मेरे माता पिता के पास जाऊँ, उन्होंने जो मुझे हकाल दिया, और वो तो कहते हैं, और मैं सुना है कि गुरु गोरखनाथ जी जो बात कहते हैं उस बात को अगर मानते हैं तो ही वो दीक्षा प्रदान करते हैं, मैं तो उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जा सकता मेरे माँ बाप के पास, और मैं यहाँ भी नहीं रह सकता, यहाँ भी बेचैनी रहती है मुझे। तो उन्हें कहा, समय आने पर बेटा मैं तुझे कहती हूँ, जो तूने साधना कर रही है वो साधना कर, समय आने पर गोरखनाथ जी तुम्हें किसी भी तरह उस दीक्षा देंगे, और तेरे गुरु गोरखनाथ है, अब नहीं तो समय आएगा तब तो तुझे गोरखनाथ जी से दीक्षा मिलेगी। उन्होंने सांत्वना दी, तो उसके मन में शांति हुई कि आज नहीं तो कल तो मुझे गोरखनाथ जी दर्शन देंगे या मुझे शिष्य बनाएंगे। वो वहाँ से जब आया तो वो देखता है कि पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो माता ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो नीचे जाना चाहता है, और देखता है कि एक मिनट में वो नीचे था। माता, ये आपने क्या करा, मैं तो तुम्हें इस तरह समझ रहा था कि मैं चलते हुए वहाँ से कैसा हूँ, तो आपने मुझे एक मिनट में यहाँ ला दिया। तो उसने कहा, मुझे तुझे आशीर्वाद देती हूँ, और तू तेरी बेचैनी की शांति के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है उस प्रयत्न को जारी रख, ऐसा ही कर, तेरे जीवन में मैं आशीर्वाद देती हूँ। जब वहाँ वो गया फिर, तो वहाँ उसने देखा कि वो मालकिन जो गाय को चराने वाली थी, उसने कहा गया, ऐसा ही दो दो दिन को भाग जाता है, 7-8 दिन चला गया, आज गाय कौन चराए, चल तुझे मेरे पास आना नहीं है, रोज़ बैठ के तुझे खाने की आदत हो गई, छांछ का ग्लास लेता है, रोटियां खाता है और यहाँ से भाग जाता है, ये काम कौन करें। तब उन्होंने उस माता का यंत्र खींचा और कहा, देख, मैं हर जगह ऐसी प्रताड़ना खाता हूँ, कोई ना कोई ऐसी ही गलियाँ देती है, ये क्या जीवन है माँ, मैं तुझसे कितनी बार प्रार्थना किया कि मैं ऐसे जीवन से कब मेरे को चैन आया, कब शांति मिलेगी, जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही दुख भोगना पड़ता है।
तब माता ने देखकर कहा, देख उसको कह देना कि उसकी रोटियां और उसका छांच उसको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर ले ले और एक पत्थर मार। जैसा ही उसने पत्थर लेकर उस यंत्र के बाद में इच्छा किया कि पत्थर मारा, देखता कि खाई आई और उसमें उसने 4-5 साल से जो रोटियां बनाकर खिलाई थी पूरी रोटियां खाई में थी। माँ ये रोटियां हैं तेरी हुई, मैं आज तक खाना नहीं, रोटी तेरी नहीं खाया, इसलिए तुम ये कहने की नहीं। दूसरी जगह पत्थर मारा तो देखता का एक खाई हुई और उसमें पूरा छांच छांच भरा था। ये देख तेरा छांच यहाँ, तू ले जा। इसको देख के वह तो परेशान हो गई कि इसने रोटियां नहीं खाई और मुझे ये सब प्रदान किया, ये कैसे हुआ? छांच भी कोई नहीं, सब आते देखते हैं तो छांच ताज़ा है, रोटियां भी ताज़ी है, इतने अगर नहीं खाया, यहां रोटियां इस खड्डे में रखी तो इतनी ताज़ी कैसे? तब उसने कहा ये तो कोई चमत्कारी बालक है, इसके पास जो चमत्कार है। उसको नमस्कार करते हुए कहा, मेरी गलती हो गई, मैं इसलिए कह रही थी कि यहाँ के सभी लोग जो लोग हैं वो लोग सब लोग आके कहते हैं कि तू जहाँ भी गायें चराता है तो उनके सारे गायें तो 7-8 दिन नहीं रहने से सारी गायों ने यहाँ का खेत खा लिया और उनका खेत खा लिया है, खेत सब चले गए हैं, खेत सब उजड़ गए हैं, ऐसा वो लोगों का कहना है, इसलिए मुझे तुझे गालियाँ देनी पड़ी, मेरा दूसरा कोई नहीं था। तो उसने कहा एक बार गाँव वालों को बुला लो। गाँव वाले आ गए और कहा यही है इसकी गायें सब हमारे खेतों को खा गई और इसके कारण ही हमारे खेत पूरे उजाड़ गए। तो उसने कहा महाराज जी एक बार देखो तो खेतों में जाकर कौन सी गाय कहाँ खा गई है, मैं उसका पैसा दूंगा। सब लोग जो गए और खेतों को देखते क्या है कि वहाँ सारी गायें कुछ भी नहीं है, खेत इतना हरा भरा है कि इतना धनधान्य है कि देख कर परेशान हो गए। खैर कल तक अभी हम देख के आ रहे थे सब उजाड़ गया था, अभी तो खेत धनधान्य से भरा हुआ है। उसने कहा महाराज जी हमारी गलती हो गई, आपको नमस्कार करते हैं, आपने तो चमत्कार कर दिया, आप हमें रहे, हमने जो गलती से आपको कहा है उस गलती की क्षमा मांगते हैं। ये माता की कृपा का चमत्कार था, जो उस रोज़ उस यंत्र की पूजा करता और उस माता के मंत्र को करता और वह दिन ब दिन ऐसा बढ़ते गया कि उसको देखकर सब लोग कहे बहुत चमत्कारी महंत है, चमत्कारी संत है, वो यहाँ रह रहा है। ये देखकर लोगों की भीड़ वहाँ लगती गई, लेकिन इसके जीवन में वो बेचैनी नहीं गई कि मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य नहीं बना। फिर उसे पता चला कि गोरखनाथ जी गोरखनाथ की धुनी के पास आए हैं। फिर वो उनके पास गया, जाकर बोला नाथ सांप्रदाय के महान योगी मुझे आप शिष्य स्वीकार करो। गोरखनाथ जी फिर भी देखे और उन्होंने कहा कि समय आने पर तुझे शिष्य जरूर बनाऊंगा। उसके आंखों में आंसू आए कि आज भी नाथ सांप्रदाय के इस के गुरु तो मेरी परीक्षा ही लेते हैं और वह भी परीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसे अपने कार्य पर घमंड था कि मुझे माता की कृपा प्रसन्न, माता की कृपा है मेरे ऊपर। और कहा तो आप दीक्षा तब देते हैं कि जब दोनों खानों को अगर छेद दें तो आप शिष्य प्रदान करते हैं, उसे कनफटाई योगी कहा गया है, जो जालंधर ज्वाला माई के पास रहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कर तू ज्वाला माई के पास जब रहता हूँ तो कांगड़ा में वहाँ आ जा, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। तो उन्होंने कहा वो कितनी बड़ी बात है, आप पहुँचते नहीं मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उसके अपने माता के ऊपर भरोसा था। वो देखकर गोरखनाथ जी ने कहा इसे घमंड आ गया है। उसने कहा ठीक है तू पहुंच मैं आता हूँ। जब वो पहुंच गया तो गोरखनाथ जी आए ही नहीं। 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। फिर उसने माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ ये क्या हो रहा है, वो तो दीक्षा देने से रहे। तो बोले वो परीक्षा करते हैं तो उनकी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गया तो ही वो दीक्षा देंगे, तो यहीं इंतज़ार कर और जिस दिन तुझे सपना गिरा कि गोरखनाथ जी यहाँ आ रहे हैं तो उस समय तू सुबह आना और जूस यंत्र को खींच कर उसकी पूजा करना और करना कि नाथ जी मुझे दीक्षा प्रदान करो। बहुत दिन हो गए बाद में उसको सपना गिरा कि नाथ गुरु गोरखनाथ आ रहे हैं। तो उसने उस दिन उस यंत्र को खींचा, पूजा की और माँ इस बार तो कृपा करना। जब आए तो वो नाथ सांप्रदाय गोरखनाथ जी के पास गए। प्रभु आपने जैसा कहा मैं ज्वाला जी आ गया हूँ, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मुझे आप दीक्षा दो। तो गोरखनाथ जी उसको देख कर हंसे तो चाहता है दीक्षा, तो उनकी हंसी से इसका घमंड भी इसको लगा कि गोरखनाथ जी अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, अरे वो ग्रेटनेस तो मेरे पास भी है। तो उसने अपने मन में ठान लिया कि हे गोरखनाथ जी आप दीक्षा तो दो, एक कान का जब छेद करेंगे दूसरी कान को छेद करने से पहले मैं उड़ जाऊँगा और आपकी शक्ति देखूँगा कि आप अगर मुझे रोक सके तो नाथ सांप्रदाय में आप श्रेष्ठ गुरु हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। गोरखनाथ जी उसको देखकर जान गए कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है, गुरु की परीक्षा लेने के लिए यहाँ बैठा है और वो चाहता है कि ऐसा हो सकता है क्या। उसने जैसा ही एक कान छेदा दूसरे कान के पास गए, वो उड़ गया आकाश में।
सब लोग गोरखनाथ के शिष्य सब बैठे हुए थे और देखकर वो ऊपर उठते हुए हंस रहा था। तो गोरखनाथ ने कहा, अरे मैं तेरा बाप हूँ, गुरु हूँ। और उन्होंने एक मिनट में अपना हाथ इतना लंबा कर दिया कि उसको पकड़ कर उठा के ले गया और बोले कि तू समझता था कि मैं तेरे को दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, तेरा बाप हूँ, दीक्षा दे सकता हूँ। तूने आज भी तेरे मन से शंका नहीं गई कि मैं तेरा गुरु हूँ, मैं श्रेष्ठ गुरु हूँ, यानी मैं ही ताकतवर समझता है, ऐसे तो चमत्कारी कार्य तो मैं तो कितने ही कर सकता हूँ। जब उसको पकड़ के लेके आए तो उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मैंने दिल में यही ठान लिया था, मैं जब मेरा दूसरा कान अगर छेदे उससे पहले मैं उड़ जाऊँगा, अगर आप मुझे पहुँचते तो आप मेरे गुरु है, मैं आज मानता हूँ कि आप मेरे गुरु है। तो गुरु की परीक्षा लेना चाहता था। अब तो सुन मैं क्या कहता हूँ, तुझे एक कान के छेद करके रखा हूँ, दूसरा कान उस दिन छेदूंगा जिस दिन तू मेरी कही हुई तपस्या करेगा। वो लौट गए, उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि मेरी गलती हो गई, मुझे दीक्षा दे दो, मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मैं गुरु पर शंका करते रहा। तब गोरखनाथ जी कहते हैं, जो ज्ञान देने वाला गुरु है, जो ज्ञान देने वाला जिससे तृप्ति प्राप्त करते हो, जिसके पास रहते हो, उसकी निंदा कभी जीवन में नहीं करना, नहीं तो तुम कितनी भी श्रेष्ठ हुए तो तुम्हें उस पाप को अनुभव करना ही पड़ता है, उस जीवन को लेना ही पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि पहले गुरु निंदा को या गुरु के प्रति किसी प्रकार के अनुमान को, किसी प्रकार के अपमान को, इसको जब तक नहीं रोकते तब तक तुम्हें गुरु की दीक्षा या गुरु की पूजा करना भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं कह रहा जाता, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तब उसने कहा कि मैं मेरा पूरा अभिमान चूर करके आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान करो, आप मुझे दीक्षा दो। तब गुरु गोरखनाथ ने उनसे कहा कि आज मैं जिस ज्वाला जी के पास बैठा हूँ और यहाँ मैंने जिन जिन को दीक्षा दी है, वो जो लोग श्रेष्ठ हुए हैं, मैं उनको साक्षी मानकर मैं तुझे आज दीक्षा देता हूँ। और उन्होंने दूसरा कान उनका छेदा और कहा कि तू आज से मेरा शिष्य हुआ। तो उस दिवट से बालक रहने के कारण उसका नाम रखा बालकनाथ। आज भी इस संसार में अगर आप चाहते हैं तो बालकनाथ जी नाथ संप्रदाय में एक श्रेष्ठ गुरु कहलाए। बालकनाथ जी को यहाँ से लेकर पाकिस्तान, काबुल तक, अफगानिस्तान तक वो बहुत बहुत बड़े गुरु कहलाए और उनकी कृपा प्राप्त सभी लोग भी कहते हैं कि वो एक महान व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं इसका ऋण किस प्रकार निकाल सकता हूँ, ये ऋण मुझे किस प्रकार जाए, आप इसके बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि हे बालकनाथ, मैं तुम्हें जो यंत्र दिया हूँ उस यंत्र को माता के नाम से तुम अगर प्रचार करते हो और उस यंत्र को तुम धारण करते हो, उस यंत्र को अगर तुम लेकर उसकी पूजा का प्रचार प्रसार करते हो, माता की आज्ञा का पालन करते हो, तो मैं तुम्हें इस गुरु दीक्षा का फल बताते हूँ और उनको भी उतनी ही श्रेष्ठता। जो इस यंत्र को देता है और इस यंत्र की पूजा करता है, माँ अम्बा की पूजा करता है, उसे गोरखनाथ जी के रूप में, शिव के रूप में वो दीक्षा प्राप्त योग्य शिष्य और श्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। जीवन में अम्बा माई के पास, अम्बा माई के इस क्षेत्र में जो उस यंत्र की पूजा करता है, उसके जीवन में 7 जन्मों तक भी कभी गुरु दूर नहीं होंगे और गुरु उसको अपने पास लेकर उसका उद्धार करेंगे और उसकी सारी इच्छाएँ पूर्ण करेंगे। ये अम्बा माई का दिया हुआ वचन है, उस यंत्र का जो तुम्हें माता स्वयं अम्बा माई ने देकर तुम्हें इतना कृतार्थ करके गुरु कृपा का पात्र बनाया, तुम उस यंत्र का प्रचार प्रसार करो। बालकनाथ ने कहा कि क्या यह यंत्र सभी को दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि जो शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करके 5 साल तक गुरु मंत्र करता है और गुरु पर विश्वास करता है, और वो कोई भी गुरु हो, गोरखनाथ ही होने की जरूरी नहीं है, कोई भी गुरु हो और उसकी पूजा करता है, 5 साल होते हैं, अगर भी मन से प्रार्थना करता है कि मुझे गुरुकृपा प्राप्त हो, मुझे देवताओं का दर्शन हो, तो अगर अम्बा माई के पास आता है तो इस यंत्र को उसे प्रदान करो और उसके जीवन में गुरुकृपा प्राप्ति की और कोई भी देवता के दर्शन की इच्छा की उसकी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए उनको दे देना। मैं आज अम्बा माई के पास आए हूँ। जिस दिन दत्तू भैया आकर मुझे पूछ रहे थे कि अपन गिरनार जा रहे हैं, वहाँ कौन सी साधना देंगे, क्या करना है, मैं बहुत देर तक टटोलता रहा कि मुझे वहाँ कौन सी साधना देनी है। फिर मैंने गोरख संहिता मंगवाई, गोरखनाथ की पुस्तक, नाथ समुदाय की पुस्तकें मंगवाई, सब तरफ देखा, मुझे तृप्ति नहीं हुई कि यहाँ कौन सा मंत्र, कौन सी साधना करनी चाहिए। फिर उसमें एक जगह लिखा है कि सदाशिव भगवान महादेव ने दत्तात्रेय में और महादेव में एक संवाद हुआ था,
और उन्हें कहा था कि हमारी दोनों की शक्ति माता अम्बा माई है, और उस अम्बा माई को अगर हम पूजा करते हैं एक एक विधि विधान से, तो वह साधक श्रेष्ठ गुरु प्रभाव को प्राप्त करने वाला, अपने जीवन में आए हुए अड़चनों को निर्मा पूर्ण रूप से अड़चनों को निवारण करने वाला और श्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। और उस वो साधना अगर अपने जीवन में करके उस साधना यंत्र को 40 दिन पहनने के बाद, साधना करने के बाद उस मंत्र को सबसे ज़्यादा 1,00,000 जप करें तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कम से कम अम्बा माई के पास 21 माला भी मंत्र जप कर लेता है तो वह उस यंत्र का, उस यंत्र के प्रभाव का प्रभावदायक शिष्य कहलाएगा। फिर बाद में इस यंत्र के लिए ढूंढा कि यंत्र मिलता कहाँ है, फिर मैंने तंत्रामोद नाम का पुस्तक, उसमें कहा था कि तंत्रामोद में आदि शंकराचार्य ने और गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में ये यंत्र हुआ था। बाद में मैंने देखा कि इस यंत्र की साधना और किसने किसने की है, तो त्रेता और द्वापर युग में, त्रेता युग में धर्मराज ने और द्वापर युग में स्वयं कृष्ण ने अपने गुरु गर्ग महामुनि को पूछा था कि महामुनि गर्ग, इस संसार में मैंने सुना है कि नाथ संप्रदाय सनातन धर्म से भी श्रेष्ठ कराया जाता है और उनके गुरु श्रेष्ठ कराए जाते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? तो उन्हें कहा कि अम्बा या जगदम्बा जिसे कहते हैं, जगत की अम्बा, जगत की माँ जो बैठी है वे उसके आराधक हैं। गोरखनाथ संप्रदाय में किसी भी स्त्री को माँ कहा जाता है, अम्बा के रूप में दर्शन किया जाता है, अम्बा के रूप में उसकी प्रार्थना की जाती है, और जो उस चीज़ को पास करता है, जगदम्बा का अर्थ पहले इस संसार में जब आया वह नाथ संप्रदाय से ही आया, और उस जगदम्बा को अम्बा के रूप में गिरनार पर्वत के पास या जहाँ भी गोरखनाथ होते हैं या भी दत्तात्रेय होते हैं वहाँ निश्चित रूप से अम्बा शक्ति के रूप में निवास करती है और वहाँ उस गुरु प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो वहाँ यहाँ अम्बा माता का मठ है और अम्बा माता की पूजा की जाती है जहाँ गोरखनाथ ने किया था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब ये बताओ, मैं श्री कृष्ण हूँ, क्या मैं इस संसार में द्वापर के युग में यहाँ आया हूँ? देखते हैं तो सारे तांत्रिक है, जरासंध, घटोत्कच, द्रौपदी अपने जरासंध और कंस, ये सारे लोग अपने अपने विद्याओं के साथ बहुत शक्तिशाली बन के संसार में आए हुए हैं और जितनी कूटनीति करना है उतना कूटनीति कहते हैं करते हैं और यहाँ उन सभी को सताते हैं कि जिनको हम, क्या मैं इनको, इन सभी पर जीत हासिल कर सकूँगा? तब गर्ग महामुनि कहते हैं कि हाँ, तुम इस जगदम्बा की साधना को करो तो तुम्हारे में अणिमादि अष्टमहा सिद्धियाँ प्राप्त होगी और तुम इस साधना से संपन्न कहलाए जाओगे। तो इस गर्ग महामुनि ने जब कहा कि तुम इस साधना को करना है तो कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर जब कष्ट आया था, जरासंधारी सभी राक्षसगण मथुरा को घेर लिए थे, मथुरा को घेर लिए गए और कहते हैं कि अब कृष्ण अंदर है, कृष्ण ने और बलराम ने दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि कृष्ण ने तब तक कंस को मार दिया था। और जरासंधारी आकर जब मथुरा को घेर लिए थे तो कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि भैया अभी ये कैसा करना है, हमारे को, हम अपने दोनों के लिए सारे मथुरा के लोग मारे जाएंगे और ये अच्छा नहीं है कि वो लोगों को अगर कुष्ठ हुआ, कष्ट हुआ तो हम कैसे हुआ, जरासंधा भी सब लोग आए हैं और एक से एक बढ़कर है जिनको मृत्यु उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यवन है, जरासंध है और बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ आए हैं, कालनेमी जैसा यवन है, तो हम किस प्रकार करें? तब बलराम जी ने कहा था अपने गुरु को स्मरण करो, अपने गुरु गर्ग महामुनि को स्मरण किया और कहा कि मेरे मथुरा वासियों को किसी को भी इतना भी धक्का ना लगे, हमारी ओर से वो ना मारे जाएं, उनकी रक्षा हो, इसका कोई मार्ग बताओ। तब गर्ग महामुनि कहते हैं मैंने तुम्हें गुरु संप्रदाय में, तुमने सांदीपनी महामुनि को तो पांच तुम्हें उनके पास तो तुमने दीक्षा ली है और सारे कार्य किए हैं, आज अगर तुम उस चमत्कार को देखना चाहते हो तो माता अम्बा की साधना जो गोरखनाथ ने दी थी उसको करके देखो। गोरखनाथ तो पहाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, एक गांव को दूसरे गांव को ले जाते थे, उतनी शक्ति थी। तब बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि हम उस साधना को संपन्न करेंगे और उन्होंने उसी भोजपत्र पर लाकर उस अम्बा का यंत्र खींचा और उन दोनों ने साधना की तो माता अम्बा प्रत्यक्ष हुई और कहा कि क्या चाहते हो? वो कहने, उन्होंने कहा कि मेरे मथुरा वासियों को कष्ट नहीं होना, ये सारे लोग तो इस विद्या को लेकर बैठे हैं, वो किसी भी तरह मथुरा के ऊपर रात में भी आकर इसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, हमें उससे बचाना चाहिए। तब माता ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? कि मेरे मथुरा वासियों को कुछ कष्ट ना हो ये मैं चाहता हूँ। तो अम्मा ने कहा मैं अभी तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम साधना करो और तुम आँखें मूंज लो, तुम यहाँ से सब ठीक हो जाएगा। तब उन्होंने आँख मूँच लिए और उस साधना को संपन्न किया। कहते हैं कि उसी रातों रात मथुरा के सारे मथुरावासी उठकर द्वारका चले गए और द्वारका बसी, द्वारका का एक नव निर्माण शहर तैयार हुआ और वहाँ मथुरावासी पूरे वहाँ लेकर द्वारका में चले गए। ये सब लोग जब जरासंध आदि सब आए, उन्होंने देखते हैं कि मथुरा खाली है,
ये देखकर आश्चर्य करे, अभी सब तो हमारे सामने तो नहीं हुआ, कहाँ गए? तो माता अम्बा के उस शक्ति से, इसलिए देवी भागवत में कृष्ण अपने मथुरा वासियों को एक मंत्र सबको जपने के लिए कहते हैं, आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्य भी भद्राक्षे माँ क्षेम करें नेक बाहुर नवामिताम। अम्बा से प्रार्थना करो कि हमारा क्षेम करो माँ, हमारे को इन सभी राक्षसों से बचाओ। जब भी आपने आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो मैं आज भी आपको कहता हूँ, ये मैं 1986 से रोज 11 बार इस मंत्र को जप करता हूँ। देवी भागवत में भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु ने कहा था, और उस इस गिरनार पर्वत पर हम आए हैं तो हम अपनी शक्ति को, अपनी गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्यवान जीवन जीने के लिए, हम अपने आप को सारे रक्षा से अपकृत्य करने वाले लोगों से बचाना चाहिए। हम किसी को सहायता, हम अगर हमारे जीवन में किसी के मुख पर मुस्कान ला सकते हैं, प्रसन्नता ला सकते हैं, तो हम देव हैं। और किसी को, किसी के मुख को, मन को दुख प्रदान करते हैं तो हम राक्षस के हैं। यही राक्षस और देवताओं का एक युद्ध है जो हमारे में चलता है। कभी गोरखनाथ जी को पूछा था कि हम समझते हैं कि यहाँ देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से अमृत कलश आया था, तो एक हमारे पास कलश की स्थापना करते समय उदय महाराज हो, शिशु महाराज हो, एक बार देवदानव संवाद्य मध्यमानी महोदय उत्पन्न होती दधा कुंभ विष्णु उधृता से, विष्णु के हाथ से देवदानों का जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें से वो मंथन करने के बाद उसमें से एक कलश के ऊपर कलश को लेकर विष्णु प्रत्यक्ष हुए आए, और वह अमृत कलश कहाँ है? गोरखनाथ कहते हैं कि देवदानों का उद्धव या अमृत या मेरु, ये हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, तुम्हारे जीवन में ही देवदानव दोनों भी है और इनका युद्ध निरंतर चलते रहता है। हम बुराई से और अच्छाई से, सुख और दुख से, कष्ट और से, ये निरंतर द्वंद अपने में चलते रहता है। और हमारी कुंडली जो सर्पाकार है उसको, जिस सुख दुखों को बांधकर अगर हम उसका मंथन करें तो हमारे शरीर में ही अमृत उत्पन्न हो सकता है, हम विष्णुमय बन सकते हैं। ये गोरखनाथ योग की विद्या से उन्होंने उसको कहा और करके भी बताया। कहते हैं कि इस योग विद्या को जो प्राप्त करता है उसको देवताएं भी हरा नहीं सकती। और ये माँ अम्बा ही जो हमारे मूलाधार में बैठे हैं और सहस्त्रार में शिव बैठे हैं, इन दोनों के मिलन को ही कुंडलिनी जागरण या उस सुषुम्ना इड़ा पिंगला, इन तीनों नाड़ियों का मंथन जब होता है तो उससे अमृत की प्राप्ति होती है और अमृत का स्राव होता है हमारे सिर से। तो हम ऐसी साधना, ऐसी विद्या को यहाँ माता अम्बा के पास, जो दत्तात्रेय भी योगी थे, वो कभी भी अपने शिष्यों को अपने से दूर करने के लिए कभी स्त्रियों से बैठे रहते थे, कभी ऐसा लगता था कि कोई ऐसे गलत चेष्टाएं कर रहे हैं, नग्न रहते थे, अवधूत बन जाते थे, कभी पिशाच्योत रहते थे, सब बाल वीर इधर डालकर, ताकि सारे लोग अपने पास ना आए, उनको दूर करना है, उनको किसी भी तरह भगाना है। पहले गुरु परीक्षा देखने के लिए एक योग्य गुरु यही काम करता है कि उसके ऊपर माया डाल देता है, ये माया डालता है कि वो अपने पास ना आए, वो कुछ पूछे नहीं, और उसको ये लगे कि यार ये गुरु बेकार है, यार इसके पास सब गलत धंधे, ये दत्तात्रेय ही नहीं, जितने भी गुरु परंपरा में लोग हैं योग के गुरु, योग शिष्य की प्राप्ति के लिए ये हुआ। माता पार्वती जब शिव भगवान को कहती है कि तुम क्या है व्याघ्रचारा चर्मांबर डालते हो, स्नान लपेट लियो, भस्म लगाते हो, और तुम ये सभी सारी चीज़ों को करते हुए, जब माता पार्वती को उसका भ्रम हुआ तो बोला हम कहाँ के लोग, वो तो आदिगुरु हैं और दत्तात्रेय भगवान भी है, अत्रि महर्षि भी है, तो हम तो ये गुरु को जानना मुश्किल है जो योग्य गुरु है, उसकी भी तो हम कभी कभी निंदा कर देते हैं, कभी कभी बातें कुछ भी कहते हैं, ये हमारे जीवन में हम एक मार एक बना है। और जब तक ये निंदा और ये आशंका आपके जीवन में रही आप कोई उद्धार नहीं कर सकते। आपको गुरु के उस जीवन से क्या लेना देना, गुरु तो डालेगा ही, आप गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है और उनको साष्टांग नमन करते हैं और कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो और तुम्हारा ज्ञान से मेरा संबंध है। मैं बार बार यही कहता हूँ, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बारे में बहुत सारे लोग उनके पेपर में आए, यहाँ वो आया, ये सब बातें कहते हैं, मैं कहता हूँ इससे मेरे लेना देना क्या। मेरे गुरु ने मंत्र तंत्र तंत्र विज्ञान की पुस्तक द्वारा और कुंडली की पुस्तकों द्वारा या उनके 180 पुस्तकों द्वारा उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान दूसरे आज के कलयुग में किसी आचार्य ने नहीं दिया, और मैं उनके ज्ञान का ऋणी हूँ। उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ तो उनके ज्ञान के लिए। उनका पर्सनल जीवन, क्या वो पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, रोटी खाते हैं औरतों के साथ, मेरे उसके साथ क्या लेने देने, वो ज्ञान दे रहे हैं और उसका प्रश्न का उत्तर मुझे दे रहे हैं या नहीं है, मेरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस साधना से मेरा उद्धार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या मैं उस साधना से समन्वित हूँ, उस साधना को कर रहा हूँ। जब तक योग्य गुरु, वो तो दूर करना ही चाहता है, तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम शंका युक्त व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन में शंकाएं बनी हुई है,
तुम उस शंका को निर्मूल नहीं करना चाहते, गुरु में समर्पण भाव से आते ही नहीं। गुरु के पास आते हो तो यही शंका करते आते हो कि गुरु के पास कुछ, इसके पास ये ऐसा है, वो उसके साथ रहता है, इसके साथ रहता है, ऐसा खाना खाता है। इस शंका को जब तक निर्मूल नहीं होता, तुम्हारा ज्ञान उनके चरणों में जब कर समर्पण स्थिति, समर्पण का अर्थ होता है अच्छाई हो बुरा हो बुराई हो यही मेरा गुरु है, इसके इसने जीवन में मेरे को सब कुछ दिया है, वो मेरे लिए प्रयत्न करता है, वो जब भी मैं ज्ञान का प्रश्न पूछूं उस ज्ञान का उत्तर देता है, वो ज्ञान प्रदान करने वाला है, मैं इसके चरणों में झुक जाऊं समर्पित स्थिति से देखूं, तो वो अपना निज स्वरूप एक समय आएगा जरूर बताएगा कि वो क्या है, वो इस संसार से कैसा जीता हुआ है, वो अपना विश्वरूप बताएगा उस दिन। अर्जुन भी देख रहा था कि कृष्ण 16,000 गोपिकाओं के साथ, अष्टभार्याओं के साथ घूमते थे और उनके कपड़े निकाल कर नग्न रूप से उनको देखा करते थे, ये सारी चीज़ें बाल्यकाल की उनकी, जाके दूसरों के घर में जाके मक्खन चोरी करते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी है सुनी है, ये सारी चीज़ों को हमने ये कहते हुए कहा, अगर ये देखते हैं तो एक मनुष्य में ये गुण हो तो क्या वो उसको गुरु मानने के लिए तैयार है? नहीं मानोगे। लेकिन वही श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश करते हैं और अपने विश्वरूप को बताकर अर्जुन का कहते हैं, कृष्ण हे अर्जुन मैं इन सबसे अतीत हूँ, इन सबसे अतीत इसलिए हूँ मैं मानव बन के आया हूँ, अगर मैं यहाँ इन चेष्टाओं को ना करूँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, अगर मैं योगी बनकर किसी गुफा में बैठ रहा तो मेरे को देखने के लिए कौन आएगा, कौन आता है, कोई नहीं आएगा, मैं संसार का एक व्यक्तित्व बनकर उनके घूमते उनमें घूमते रहता हूँ और वो मुझे समझने की क्रिया करते रहें, मुझे समझने की प्रक्रिया करें, मुझे समझें, मैं क्या कहता हूँ वो देखें, जिस दिन वो समझेंगे उस दिन अर्जुन आज तुझे इस संशय का निवृत्ति करते हुए मैंने विश्वरूप बताया, मैं इनको जरूर स्वरूप बता के बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं संसार में किस लिए आया हूँ, मैं तो माया डालूंगा ही, मैं तो उन चीज़ों को देखूंगा ही। और यही बात गोरखनाथ जी ने भी, भगवान दत्तात्रेय जी ने भी की, सदाशिव भगवान ने भी की और सारे लोग करते रहते हैं। तो हम गुरु को पहचानने की करते समय जब इसको ज्ञान देने वाला गुरु मानते हैं, जिसने ज्ञान दिया है, तो उसके गुण अवगुणों को आप देखने की क्रिया मत करो, आपको उसको क्या करना है उसका आपका चिंतन नहीं है, आपका चिंतन है वो तुम्हारे प्रश्न का ज्ञान का उत्तर ज्ञान से दे रहा है नहीं दे रहा है, तुम्हारी अच्छी इच्छाओं को वो पूर्ण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम्हारी जो कामनाएं हैं उस कामनाओं के पीछे विज्ञान से सही ज्ञान से भरी उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर वो उस देने में समर्थ है तो वो योग्य गुरु नहीं, और वो तुम्हारे से कुछ आशा करता है, तुम्हारे से पैसों की आशा करता है, तुम्हारे से किस वांछा की आशा करता है, तुम्हारे से किस आशा करता है, तो गुरु कहलाने के लायक नहीं। और अगर वो तुम्हें पालता है, अगर तुम्हें देता है तुम्हारे हर कष्टों में, तुम्हारे हर अच्छी बुराई में अगर वो निर्णय लेता है और फिर भी तुम निंदा करते हो तो तुम इस संसार में 7 जन्मों तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जब तुम्हें देता है और उसको समझते हो, उसको समझने की क्रिया करते हो और उसको कहते हो कि वो मेरा आज का एक रक्त कणकण उनका ऋणी है और उस ऋण से मैं उस ऋण भार से मैं बैठा हूँ और उस ऋण को चुकाने के लिए जिसमें करना है तुम्हें केवल तुम्हें समर्पण बताना है, तुम उसके प्रति समर्पित हो जाओ, तुम्हारे सारे कार्य वो गुरु करेगा, तुम्हारे जीवन में उतना प्यार देगा कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं दे रहे, ये बात परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहा करते थे। आज भी मैं कहता हूँ, आज जो कुछ मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज जो कुछ आश्रम निखिल चेतना केंद्र है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि निखिल चेतना केंद्र बंद, मुझे कोई इच्छा नहीं थी कि निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं हो, मेरी कोई इच्छा नहीं थी आप सब लोग शिष्य बने और मैं आपका गुरु बनकर या आपके इस सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन ये होते गया, जैसे कहा गया है कि लाली मेरे लाल की जिद देखो जिद लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, इसका अर्थ होता है मैं केवल गुरु की महिमाओं को गुरु के बातों को मैं 4 लोगों को कहते गया और लोगों ने मुझे गुरु बना दिया। मैं ये आज भी ये चाह नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि संसार में मैं ऐसा व्यक्ति तो बनो जो मेरे गुरु कार्य को साथ ही साथ देखे, जिस गुरु कार्य को संसार सराहे। अगर मैं आज कहता हूँ कि मेरा रक्त कणकण मेरे गुरु का ऋणी है, मैं उस ऋण को फेंक नहीं सकता क्योंकि हर एक घास मैं उनका जो खाता हूँ वो उनका दिया हुआ है, हर कपड़ा हर बैठने का हर प्राण मेरे सांस चल रहे तो उनका दिया हुआ है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी ये नहीं दिया, माँ बाप ने तो केवल जन्म दिया है, लेकिन बाकी का सब मैं ऋणी हूँ तो उसका ऋणी हूँ, उस गुरु का उस ज्ञान का और इस शरीर का ऋणी हूँ। और जब ये कार्य यह संपन्न यह तुम्हें ये भाव आएंगे उस दिन से तुम्हारी उन्नति होगी, और ये भाव आने के लिए तुम्हें उस जगदम्बा उस माता का स्मरण करना चाहिए जो तुम्हें गुरु का ज्ञान देती है और गुरु के पास भेजती है जो श्रेष्ठ रूप से आपको आगे चलाने की क्रिया करती है। इसी क्रिया में एक रत्ननाथ नाम के एक सिद्ध हुए, जो हम अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उनका भी मंदिर आता है, रत्ननाथ नाम के एक सिद्ध हुए, वो भी नाथ संप्रदाय के एक सिद्ध महान सिद्ध व्यक्तित्व कहलाए। उस सिद्ध के पास जाकर अगर आज भी हम कहते हैं कि एक ग्लास दूध चढ़ा देते हैं तो वो आपके गुरु का दर्शन करवा देते हैं, या दत्तात्रेय का या स्वयं स्वामी गोरखनाथ का दर्शन करवाते हैं, और आपके चित्त में जो भ्रम बैठा हुआ है, आपके चित्त में जिस प्रकार का
एक शंका बैठी हुई गुरु के नाम पर। गुरु से तुम्हें आत्म साक्षात्कार या तुम्हारी साक्षात्कार, आत्मा का अर्थ होता है तुम्हारी चैतन्यता, तुम्हारे जीवन में वो चैतन्यता उसके उसको बरकरार रखते हैं, उसको पूरी तरीके से वैसा ही रखते, उस चेतना तक खत्म नहीं कर देते और उस चेतना को खत्म होने नहीं देना चाहिए। इसलिए गोरक्षनाथ है चैतन्य, गोरक्षनाथ है आत्मा का वो चैतन्य, चैतन्य से आत्मा का गया है। हे गोरक्षनाथ, आप उस चैतन्यता को हमारे में डाल दो और वो चैतन्य हमारे पास रखो। गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ भी औरतों के साथ जब महा केरल के महारानी के इसमें गए थे, वो भी स्त्रियों के साथ रहे, उन्होंने भी उपनवनाथों का जन्म दिया और गोरखनाथ ने उनको बाहर लाया, ये सब कथा आप जानते हैं। रामचंद्र जी को, हनुमान जी को भी नाथ संप्रदाय में मेरी भक्ति गुरु की शक्ति करो मंत्र ईश्वर वाचा कहते हैं। ईश्वर तुमने अगर कहा है कि मेरी भक्ति है और गुरु की शक्ति संसार में है तो देवता तुम्हें हारना ही होगा, मेरा कहा हुआ तुम्हें मानना ही होगा, ये कहा गया है। और यह कार्य जो आज इस अम्बा मठ के पास हम बैठकर कर रहे हैं, हम करना चाहिए। और उस यंत्र को मैंने ढूंढकर बाहर निकालने में तंत्रामोद में जाकर देखा और बाद में परशुराम कल्प सूत्र में मैंने देखा। आपको पता है परशुराम जी के भी दो शिष्य हुए, पहला शिष्य था कर्ण, दूसरा शिष्य था भीष्म। और भगवान दत्तात्रेय की भी शिष्य हुए, परशुराम जी हुए, गोरखनाथ जी और नाथ साम्राय मच्छेंद्रनाथ स्वयं उनका अवतार कहा जाते हैं और भगवान शिव का अवतार गोरखनाथ जी कहलाए जाते हैं। तो इस नाथ संप्रदाय की हमारा रक्त का कणकण अगर उनके प्रति समर्पित है और हम चाहते हैं कि उनसे कुछ सीखे तो माता अम्बा यही कहती है कि तुम्हें यह सीखना है। तो वैसे ही स्थिति में रत्नाकर नाम के एक सिद्ध योगी यहाँ होके गए और उनका भी मंदिर आगे हम जाते जाते देखते हैं। हम जब पहाड़ चढ़ेंगे तो राइट साइड में एक छोटा सा मंदिर है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि रत्नाकर एक सिद्ध योगी थे जो अपने पास एक राजा के पुत्र थे और रत्नाकर इसलिए कहा गया था क्योंकि रात्र में उनके राज्य में बहुत सारे मणियाँ रत्न आदि थे और वो किसी को भी रत्न बांट देते थे, उसलिए उनको रत्नाकर नाम रखा था। लेकिन ये रत्नाकर एक बार जब गोरखनाथ जी से मिले और माता अम्बा माई के पास यहीं दर्शन के लिए आए तो उनके जीवन में एक चैतन्यता आई कि मैं क्या जीवन जी रहा हूँ। और वो अपने जीवन में गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि मुझे शिष्य स्वीकार करो। तुम पता है उन्होंने तो किसी भी प्रकार की परीक्षा लेने बगैर अपने शिष्य को शिष्य को प्रदानता नहीं करते। रत्नाकर ने प्रार्थना की, फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहले तुम्हारे जीवन में जो राज्यपाट जो अहंकार है तुम्हारे में उसका निर्मूलन जब तक नहीं होता, वो क्रोध तुम्हारा जब तक निर्मूलन नहीं होता तब तक तुम्हें शिक्षा मिलना बहुत ही दूर की बात है। रत्नाकर ने उसके बारे में बहुत तपस्या की, तब वो अम्बा माई के पास करके रोने लगे कि मैं गोरखनाथ का शिष्य कब बनूं। तब उनको भी यही साधना सिद्धि करवाई, वो भी अपने जीवन में आकाश से उड़कर जाया करते थे। एक बार की बात है कि वो एक जगह आज पंजाब में एक स्थान है जिसको टीला कहा जाता है, उस स्थान पर वो भूख लगी थी तो उस गांव गए और उस गांव में उन्होंने कहा, बहुत रात हो गई थी तो वहाँ के बड़े सरपंच आदि लोग थे उनको जाकर कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ नहीं तो दूध दे दो पीने के लिए, आपके घर में भैंस और गाय आदि सभी है, मुझे एक गिलास दूध दे दो।